देखो गाइस रास्ते में कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। देखो ये देखो गाइस लाइव बाबा जी के दर्शन उनकी धाम में। तो चलिए देखो गाइस काफ़ी 2-3 किलोमीटर लंबा जाम है अभी भी। चल ये आ चुका है रात को 12 बजे दिया की फरमाइश में, क्योंकि कल से ये नहीं खाने वाली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हमारा प्लान था हल्द्वानी जाने का, और रात भर बारिश, और अब मौसम दिखा तो मुझे कैसा हो रहा है। सुबह सुबह 6 बजे हैं अभी। ये देखो गाइस रात भर बारिश से सुबह ऐसा मौसम हो रखा है, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। तो चलिए अब हाथ मुँह धो के चलते हैं बाजार की ओर। तो गाइस जो हमारे वहाँ ये रिवाज है कि कोई भी घर से अगर दूर जाता है तो टीका लगा के भेजा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं। गाइस आज मैं जा रहा हूँ दोस्त की यामा लेके, और ये खड़ी अपने धनो, और इसका स्टार्ट भी देखो कैसा है, वो खाली टच करो और स्टार्ट। तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ DD8 से हल्द्वानी की ओर, और लॉन्ग टूर में गाइस फुल फेस हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा फुल फेस ही पहन के चलता हूँ गाइस। चलिए चलते हैं, और स्कूटी हम ले जा रहे हैं, दिखाता हूँ आप। ये देखो आज हम स्कूटी ले जा रहे हैं भाई की यामा RZR। आज इसका ऑन टेस्ट भी करेंगे हम कि कैसी है। अपने पास तो एंडोर्क है गाइस, और उससे पहले R15 थी, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। तो चलिए चलते हैं, आज भी सोलो राइड है और काफ़ी बेहतरीन। सुबह तड़की बारिश के बाद अब तो मौसम खुल चुका है। ये देखो हरियाली और रास्ता काफ़ी बेहतरीन गाइस। चलिए चलते हैं बैठ बैठ। तो गाइस तो हम पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन में एक बार फिर से। ये है थल रोड का झरना, और ये देखो बरसातों में इसका ये देखो काफ़ी सुंदर व्यू के साथ ये झरना आता है। ये देखो गाइस और साइड से निकलो क्योंकि भी आएंगे नहीं तो। ये देखो काफ़ी बेहतरीन झरना इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट। और ये देखो लोग कहते हैं पहाड़ों में क्या रखा है, देखो स्कूटी में भी हम पटवन लेके जा रहे हैं। ये देखो तो चलिए चलते हैं। ये देखो गाइस चलते चलते हमें कितना तगड़ा झरना दिख गया है। देखो बरसात में तो पहाड़ में ऐसे झरने आम बात है गाइस। ये देखो हल्का हल्का मौसम भी ख़राब हो रहा है, और थल क्रॉस कर लिया मैंने, पहुँचते हैं बड़ा देरी नाक की ओर गाइस। ये देखो गाइस रास्ते में जैसे गाड़ी पहाड़ी रास्ते में ज़्यादा स्पीड में अगर आप जाओगे तो ऐसी गाड़ी मिल जाएगी। पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था, देखो तो ये पहाड़ी रास्तों में तो होता नॉर्मल बात है। ये देखो गाइस शॉर्ट मारने के चक्कर में काली ताल के रास्ते आया, ये देखो नीचे, और यहाँ पूरी रोड बंद है भयंकर। अब वापिस जाना पड़ेगा यार गाइस। ये देखो बड़ा स्कैम हो गया है हमारे साथ। चलो हम गाड़ी घुमाते हैं और वापिस चलते हैं। और किसी बंदे ने बताया भी नहीं हमें कि यहाँ रोड बंद है, बताओ ना। ये देखो अब यहाँ से जो मैं सोच रहा था कि 6-7 किलोमीटर बच जाएंगे, अब वापस वहीं जाना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं फटाफट। देखो जगह जगह नाले, और बारिश में ऐसी झीले तो आम बात है, झरने झीले नहीं झरने फटाफट बोलते हैं गाइस। डेढ़ पेड़ मेरी नाक है, फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बेरी नाग, और हमें मिल चुके हैं जीजा जी। तो अब चलते हैं दीदी लोगों के वहां। तो हम पहुंच चुके हैं प्रणाम प्रणाम। वो ये देख
चलो ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है ना। चल फिर आ रहा। तो फाइनली गाइस ये लग चुका है अपना खाना और अक्कू कह रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ। क्यों नहीं खा रहा अक्कू? अक्कू शर्मा के भाग गया। तो फटाफट खाना खाते हैं फिर चलते हैं। भाई ये देखो ये मुझे छोड़ने आए, तो चलिए अब चलते हैं अल्दानी की ओर। बाय बोलो बाय। ये देखो भाई चलते चलते हम पहुंचे हैं सेरा घाट और ये देखो मौसम भी खुल चुका है और ये देखो पानी कितना गंदा हो रहा है कि आज सुबह और कल रात इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना गाइज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखो गाइज रास्ता पूरा मलबे से कैसा होता है, देखो काफ़ी खतरनाक हो रहा है रास्ता गाइज। पार करता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है रास्ता। ठीक है गाइज ये देखो गाइज पूरा मलबा आगे कैसा रोड बंद था अब जाके खुला है, देखो गाइज। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं गाइज। काफ़ी चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्वारब और ये देखो रोड के हाल। रास्ते में कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, देखो। चलिए अब चलते हैं अपने लखनऊ में उधर। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं कैची धाम। चलिए अब दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइज नहाए धोए नहीं है तो अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन कीजिए। ये देखो गाइज लाइव बाबा जी के दर्शन कैची धाम में। तो चलिए अंधेरा होने वाला है तो फटाफट चलता हूँ मैं, नहाए धोए नहीं है तो अंदर नहीं जाऊँगा गाइज। तो चलिए देखो गाइज भवाली पहुंचने तक कैसा मौसम हो गया है। अभी तक जो मौसम धूप वाला एकदम बेहतरीन था, अब देखो ये कैसा मौसम हो गया है। भवाली का मौसम हल्की हल्की बारिश और छींटे जा रहे हैं। तो गाइज भीगते भगाते तो हम पहुंच चुके हैं भीता। लेकिन ठंडा हो रहा है गाइस इधर भीमताल में, ये देखो। तो चलिए अब दाड़ पैड़ चलते हैं हल्द्वानी की ओर गाइस, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है। ये देखो भीमताल के नज़ारे, भीमताल। ये देखो गाइस ये होता है जाम, देखो कितना लंबा जाम लगा गाइस। देखो गाइस हल्द्वानी पहुँचते ही कितना तगड़ा जाम लग गया, अभी भी आगे जाम है तो फटाफट इससे निकलते हैं गाइस। देखो गाइस काफ़ी 2-3 किलोमीटर लंबा जाम है, अभी भी चल ही रहा है गाइस। जाम से निकल के मैं पहुँचा था भाई के पास, तो ये देखो आप बुध बाजार लगा है भाई के घर के पास। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट भाई के पास। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके ये दूसरी ब्लॉगर। तो गाइस ये लग चुका है अपना खाना, अब खाने की मौज लेते हैं। तो गाइस खाना वाना खा के हमें सोने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन रात के 12 बजे इन्होंने पिज्जा मंगा दिया। इन्होंने क्या मैंने मंगाया, तो चलिए अब खाते हैं। ये आ चुका है रात को 12 बजे दिया की फरमाइश में, क्योंकि कल से ये नहीं खाने वाली है। कल से बीमार है ना, छबू खाएगी ना, कसम जाती पिज्जा को।
तो चलिए अब खाते हैं फटाफट और आज के ब्लॉग का एंड ही करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।